आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मिलिए एक फर्नीचर स्टेपलर से। यह स्टेपलर फर्नीचर बनाने के काम आता है, फर्नीचर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने के काम आता है। कंपनी का नाम है कंगारू, प्रोडक्ट का नाम है ऊनो ट्रैक। स्टेपलर देखने में कुछ इस तरह से नज़र आता है। मॉडल नंबर दिया गया है स्टेपल ट्रैकर TS238 बाय द वेस्ट। कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन, हैंडल लुक फॉर इजी स्टोरेज, हैंडल लॉक फॉर इजी स्टोरेज, एर्गोनॉमिक हैंडल विथ सॉफ्ट रबर ग्रिप, इजी ड्रॉप इन लोडिंग विद रीलोडेड इंडिकेटर। यानी कि आप इसमें स्टेपलर की पिनें डालना बहुत ही आसान है आपके लिए। और इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, रीड केयरफुली बिफोर यूज़। अगर आप बॉक्स के साइड की तरफ देखें तो इस तरफ पे भी मॉडल नंबर दिया गया है ऊनोटेक, और कुछ और भाषा जो समझ के परे है, मतलब सबका स्टेपलर ही है। इस साइड दिया गया है मॉडल नंबर TS238। बॉक्स के दूसरी तरफ देखें, बॉक्स के दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही दिया गया है, और यहाँ दिया गया है बारकोड। बॉक्स के टॉप पे देखें, बॉक्स के टॉप पे दिया गया है ऊनोटेक ब्रांडिंग और मॉडल नंबर। ये दिया गया है पिन साइज़ के, इसमें ये वाले नंबर की पिन डलेगी जो कि है 23/6-10 T810। यह है इसका पिन का नंबर। यह पिन का नंबर यहाँ पे भी दिया गया है कि इस नंबर की पिन इसमें आप यूज़ करेंगे। बॉक्स के नीचे की तरफ कुछ नहीं, बॉक्स के लास्ट की तरफ अगर आप देखें तो इसमें दिया गया है कैसे इसको लॉक अनलॉक करना है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, एक बारी में 100 पिन्स होल्ड करेगा। यहाँ पे दी गई हैं पिन्स को इंस्टॉल करने का तरीका, इंसर्ट करने का तरीका। यहाँ पे दिए गए हैं और मॉडल्स जो ये कंपनी बनाती है, एक ये मॉडल, 2, 3, 4 चार ये मॉडल्स। नीचे दिए गए हैं कॉशंस कि आप इसको किसी और की तरफ पॉइंट करके ना चलाएं, और इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी ग्लासेस ज़रूर पहनें। अगर आप देखें तो इसका MRP जो है वो है 840 रुपीज़। मैनुफैक्चरिंग डेट दिया गया है July 20, और ये एक रिटेल प्राइस है जिस प्राइस पे ये बाज़ार में आपको मिल जाता है। यहाँ पे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एड्रेस, ईमेल और कस्टमर केयर। कंपनी का वेबसाइट एड्रेस जो है unotrack.com। चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं हमें कंटेंट्स में क्या क्या मिलने वाला है। कंटेंट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो बड़ा नज़र आता है वो है यूज़र मैनुअल और एक स्टेपलर। एक पैकेजिंग है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बहुत सारे स्टेपलर से काम करेगी। नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सारी की सारी। चलिए स्टेपलर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप पढ़ें तो मॉडल है ऊनोटेक TS823 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। इस तरफ और कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे दिया गया है स्टेपलर पिन यूज़, वही नंबर जो पिन का है। रिवर्स साइड में कंगारू का ब्रांडिंग, और इसको पिन्स को डालने का तरीका और स्टेपलर को लॉक करने का तरीका। और सबसे ऊपर दिया गया है कि आप ग्लास यूज़ करें इसको इस्तेमाल करते हुए। पिन्स डालने के लिए आपको नीचे से स्लाइड ओपन करना है। ये एक यहाँ पे लैच दिया गया है जिसको दबा के आप स्लाइड करेंगे और पिन्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है लोड स्टेपल पिन हेयर विद पॉइंट्स अप। चलिए मैं आपको पिन्स लोड करके और टेस्ट करके दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह के पिन्स हैं, ये अनब्रांडेड पिन्स हैं। मॉडल नंबर है 2308। ये पिन्स इसमें काम करेंगी। ये 1000 पिन्स का पैकेट है। एक स्लाइड में अप्रॉक्सीमेटली 100 पिन्स हैं। ये सारे पिन्स एक बारी में इसमें लोड हो जाती हैं। अगर आप देखें तो इसको ऐसे डालना है। मैं कुछ पिन्स को कम कर लेता हूँ क्योंकि इतनी सारी पिन्स इसके अंदर एक बारी में नहीं आ रही हैं, तो पिन्स को दो हिस्से में कर लेते हैं।
ये मैंने पिंस को हाफ कर लिया, पिंस को इस तरह इसके अंदर डालेंगे और स्लाइड कर देंगे इसको और लॉक कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये किसी की तरफ पॉइंट ना हो, क्योंकि अब ये खतरनाक पोजीशन में है। अगर आप इस लीवर को प्रेस करेंगे तो यह पिन बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करके उस चीज़ के अंदर पंचर कर देगी। मैं आपको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक वुडन ब्लॉक है, प्लाईबोर्ड का टुकड़ा जो कि अराउंड 0.75 इंच का है। यूज़ करना बहुत आसान, आपको इसको नीचे की तरफ पॉइंट करना है और ज़ोर से प्रेस करना है। प्रेस करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से ही ये काम करता है। थोड़ा सा प्रेस किया और आप देखें एक आवाज़ आई और स्टेपलर की पिन इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इंसर्ट हो गई है। इसने लकड़ी को पंचर कर दिया बिल्कुल बिना फोर्स लगे। आप देखें पिन पूरे तरीके से इसके अंदर चली गई है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा, ना लगाते हुए ना कुछ और। इस स्टेपलर में अगर आप देखें तो एक ऑयल डालने का फीचर है जो कि यहाँ पे एक होल दिया गया है। कुछ समय यूज़ करने के बाद अगर इस स्टेपलर आपको हार्ड फील हो तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप लुब्रिकेटिंग ऑयल या मशीन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।